रहस्य सच और झूठ के बीच एक ऐसी लकीर है जो कई संभावना का जन्म देती है। ऐसी एक कहानी है डेनमार्क के जहाज पर हुए हादसे की। 1865 में डेनमार्क का एक जहाज व्यापार करने के हेतु दूसरे देश को निकल पड़ा था। जब वो जहाज अपने सफर में 3 दिन बिताया है तब कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया जिनमें लिखा था जहाज के सारे क्रू और पायलट गंभीर हालत में फंसे हुए है। बचाव के लिए जहाज जो जाता है और जब वो जहाज वहां पहुंचता है तो उसे दिल दहला देने वाला एक नजर है देखने को मिलता है। उसने देखा सभी क्रू और पायलट जमीन पर मरे पड़े थे और उनके शरीर पर कौन से भी खरोच तक नहीं थी। आखिर उन लोगों ने ऐसी कौन सी डरावनी चीज देखी थी जिसके वजह से उनकी मौत हो गए। एक केस साइंस ऑफ डिडक्शन टीम को सौंप दी थी। एक्सपर्ट हर एक मुमकिन प्रयास कर रही थी, बारीकी से बारीक कड़ी को भी जांच कर रहे थे, मगर कोई भी प्रयास अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा था और समुन्दर भी कुछ खास मेहरबान नहीं हो रहा था जो इसके राज खोल दे। अब एक्सपर्ट ने सब लोगों की फॉरेंसिक लैब टेस्ट करवाना शुरू किया मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। नाकामी अभी अब हावी होने लगी थी। एक्सपर्ट को लग रहा था कोई तो चीज हाथ से छूट रहा है। जब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आया तो सब हैरान हो गए क्योंकि सबके शरीर में जहर की मात्रा मिली थी। आखिर वो जहर आया कहाँ से और उस वक्त वहाँ कोई दूसरा जहाज आया था इसकी संभावना लगभग ना के बराबर थी। मगर एक्सपर्ट इस हादसे को डरकता बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर एक केमिकल टेस्ट, आखिर किसी में जहर नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने फिर से उस जहाज को तलाशी लेने लगे तो उन्हें जहाज पर कुछ छोटे मेंढक मिले। उन सब मेंढक को फॉरेंसिक लैब टेस्ट करने के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर सब लोग हैरान हो गए क्योंकि फ्रॉग में बैक्टेरियो नामक एक जहर मिला। उस समय ये एक खास प्रजाति के मेंढक थे। अब ये प्रजाति नामशेष हो गई है। जब ये मेंढक की तरह एक जहरीला गैस निकली तो उसकी वजह से सब लोगों की मौत हो गई दम घुटकर। बाद में कड़ी छानबीन के बाद इस साजिश के पीछे जो लोग थे वो मिले और उन्होंने बताया ये जहाज उनकी व्यापार के बीच आ रहा था और समुन्द्र के इस सफर में डर पैदा करने की हेतु उनका व्यापार बंद करने के लिए ये एक साजिश रची गई थी। जब इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है तो उसे सभी के साथ रहकर भी वीरान महसूस होता है। ऐसी एक कहानी है तीन दोस्तों की, ग्रीस, जेनन और बेक नाम के तीन लोगों। उत्तर अमेरिका के एक वीरान जगह पर रहते थे। वो सब अपना परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर काम करने के लिए तैयार थे। एक दिन तीनों को किसी कांच फैक्ट्री में काम मिलता है। हर दिन सुबह जल्दी काम पर जाना और देर रात वापस आना, अब मानो ये उनकी जिंदगी बन चुकी थी। ग्रीस और बेक एक ही जगह पर काम करते थे और बेक जेनन का हर काम अलग जगह रहते थे, इसीलिए ग्रीस और बेक जेनन की राह देखते रहते थे और तीनों साथ ही घर आते थे। सब खुश रहते थे और अपनी जरूरत पूरी कर रहे थे। रोज की तरह सब साथ चले गए मगर कौन जाने आज उनकी किस्मत में क्या लिखा था। तीनों घर निकलते हैं मगर रास्ते में जेनन की तबीयत खराब हो जाते हैं और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। आप मानो उनकी जिंदगी पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा हो। जेनन को परिवार शहर छोड़कर चले जाते हैं। वो डर कर पुलिस में इसकी जानकारी भी नहीं देते हैं। अब दोनों काम पर जाने लगते हैं। अब उस रास्ते पर 6 की जगह 4 पैरों के निशान थे। हर जगह उन्हें जेनन की याद दिलाती है मगर वो अपने आप को इस घटना से संभाल लेते हैं। कुछ महीनों बाद जब ग्रीस और बेक काम से निकलने वाले थे तो उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ भागते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी और आगे का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उनके फैक्ट्री के मालिक ने उसके पार्टनर को देखते हुए कांच की जले में फेंक दिए थे। वो देखकर बेक ग्रीस को भागने के लिए कहते हैं और वो बचकर निकलते हैं। अभी कुछ जिंदगी सवर रही थी और इस तरह नसीब मोड़ लिया। अब वो इस जानकारी का पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अब जेनन की मौत रहस्य बनकर खड़ी रही क्योंकि अब परिस्थिति ये एहसास दिलाने लगी कि मालिक के काले करतूती के शिकार बन गया था। पुलिस ने मालिक की कड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि पहले जब मालिक ने पार्टनर को मारने के लिए उसके खाने में कांच की फाइन पाउडर मिला दी थी तब जेनन अपना खाना भूलकर आने की वजह से पार्टनर ने बड़े दिल से अपना खाना उसे दे दिया था मगर इससे जेनन ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था आज की कुछ मिस्टीरियस मर्डर के रोचकीय जानकारी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन मिस्टीरियस मर्डर में से आपको कौन सा सबसे अधिक रोचक और हैरान करने वाला लगा
कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस रुचिकियों मिस्टीरियस मर्डर फैक्ट्स के बारे में पता चल सके। अगर आपको हमारा ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।